दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के साथ साथ बाहर काम करते हुए बहू भी तो थकती होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सोमिया की शादी को अभी 4 माह ही हुए थे, फिर भी उसने एक बात अच्छे से जान ली थी कि उसकी सासू माँ दूसरी औरतों की तरह नहीं है और बहुत अच्छी है। हनीमून से आने के बाद सोमिया को भी ऑफिस ज्वाइन करना था। पहले ही दिन जब सोमिया ऑफिस से आई तो सासू माँ ने पहले पानी, फिर जूस और साई के साथ घर के बने हल्के फुल्के स्नैक्स खिलाए। सोमिया का पति गौतम उसके आने के कम से कम 1 घंटे बाद आया तो सोमिया जैसे ही गौतम के लिए पानी जूस आदि लाने के लिए उठी तो सासू माँ बोली, थक कर आई हो, आराम से बैठो, मैं लाती हूँ साई नाश्ता। तो सोमिया से पहले गौतम ही बोल पड़ा, माँ बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है, मुझसे ऑफिस से आते ही काम करवाती थी और सोमिया यानी अपनी बहू को बिगाड़ो मत। तो सासू माँ बोली, जब मैं स्कूल से पढ़ा करके थकी हारी घर आती थी तो तुम्हारी दादी और बुआ मुझे साय तो दूर पानी तक नहीं पूछती थी और ऊपर से अपने लिए साय नाश्ता बनाने को कह देती थी। उसके बाद रात का खाना, फिर सुबह की तैयारी, सुबह घर के सारे काम और सबका नाश्ता और खाने की सारी तैयारी करके स्कूल जाती थी। फिर स्कूल की नौकरी, वहाँ भी सारे दिन खड़े होकर पढ़ाना, न ढंग से खा पाती थी और न सो पाती, शरीर को भी आराम नहीं मिलता था और तेरे पापा भी दादी की बातों में आकर जाने अनजाने बहुत दुख देते और कहते, करती क्या हो स्कूल में, बस क्लास में कुर्सी पर बैठकर पढ़ाना ही तो होता है। जब तू होने वाला था तो मैं बहुत बीमार हो गई थी और जैसे तैसे मैं सब कर रही थी। फिर एक दिन अचानक से सुबह नहाते समय में बाथरूम में गिर कर बेहोश हो गई। उस पर भी तेरी दादी का कहना कि सब नाटक है, मैंने भी तो 10 बच्चे पैदा किए हैं, डॉक्टर के बेड रेस्ट की सलाह दी, तब तेरे नाना नानी अपने साथ ले गए थे, वहाँ जाकर आराम मिला और अच्छे खाने पीने से सेहत में सुधार हुआ, क्योंकि सिर्फ दवाई से कुछ नहीं होने वाला था। 5 महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तेरे पापा फिर भी नहीं सुधरे। तेरे पापा और दादी की नीति नहीं पसंद और फरमाइश का खाना बनाती, कभी कभी नौकरी छोड़ने का मन भी करता, लेकिन तेरे होने के बाद बढ़ते खर्च और पापा पर बुआ की शादी का कर्ज, मैं कभी नौकरी छोड़ ना पाया। मैंने सारी जिंदगी जो दुख भोगा वो मैं अपनी बहू को नहीं देना चाहती, इसलिए तुम्हें बचपन से ही सारे घर के काम भी सिखाए, ताकि मेल वाला ईगो तुझ पर हावी ना हो। बेटा, इसके लिए भी पापा दादी से सार बातें सुनती लेकिन कुछ कह ना पाती। बेटा, आज के आधुनिक युग में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं, इसलिए तू भी कान खोलकर सुन ले, बहू का साथ निभाना और हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करना, क्योंकि जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। मैं तेरे पापा और दादी को तो ना बदल सकी, लेकिन मैंने अपने आप को बदला और समय के साथ चली। बेटे के साथ साथ बाहर काम करते हुए बहू भी तो थकती होगी, काश ये एहसास मेरी दादी को।